हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। तो वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो आपको क्या कहा है, एक पाइप है, पाइप के थ्रू हम वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं, पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस पाइप का डायमीटर आपको 5 मिलीमीटर गिवन है और वाटर की स्पीड यहाँ पे आपको गिवन है। ये क्या गिवन है, स्पीड, स्पीड आपकी 10 मीटर पर मिनट, यानी एक मीटर में इस पाइप से 10 मीटर वाटर फ्लो आउट हो जाता है, 10 मीटर लेंथ तक का। ठीक है, फिर ये पानी अब इसके अंदर से फ्लो के किस में जा रहा है, एक कॉनिकल वेसल में जा रहा है। यहाँ पे हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल कॉनिकल वेसल, तो ये पानी इसके अंदर जा रहा है कॉनिकल वेसल के अंदर। इस कॉनिकल वेसल का जो बेस है यानी डायमीटर है वो आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है और इस कॉनिकल वेसल की हाइट है यानी डेप्थ आपको गिवन है, यानी कि हाइट 24 मीटर आपको गिवन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इस पाइप से जब ये पानी इसके अंदर जाएगा तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिल अ कॉनिकल वेसल, यानी कि इस पाइप से इस पानी इसको भरने में कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, सिर्फ हमें ये फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जब भी टाइम स्पीड आपको गिवन है तो यहाँ पे टाइम फाइंड करने का हमारे पास इजी एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इनटू स्पीड। यही हमारे पास फॉर्मूला है टाइम फाइंड करने के लिए। तो इस वेसल को फिल करने के लिए स्पीड तो आपको वाटर की गिवन है क्योंकि जितनी स्पीड से पानी इसमें से आ रहा है उतनी ही स्पीड से पानी इसमें गिर रहा है, तो स्पीड तो यहाँ पे हमें गिवन है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करना यानी कि इस पाइप की हाइट फाइंड करनी है कि कितने हाइट तक का पाइप चाहिए होगा जो इस टैंक को या इस वेसल को कंप्लीट फिल कर सके। तो एक चीज़ यहाँ पे ये समझने की है कि जितने वॉल्यूम का पानी इस पाइप से आउट होगा उतने ही वॉल्यूम का पानी इसके अंदर होगा, क्योंकि इससे जितना पानी आउट हो रहा है उतना ही पानी इसके अंदर जा रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इस पाइप में से जितना वॉल्यूम का पानी आउट हो रहा है उसको इस वॉल्यूम के यानी कि इसके कॉनिकल वेसल के वॉल्यूम के इक्वल रख के सिर्फ हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी पाइप की जो हाइट फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, जो हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। और फिर स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, यहाँ पुट करेंगे तो वेसल को भरने में कितना टाइम लगा वो हमारा आ जाएगा। तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करके हम यहाँ पे पहले क्या फाइंड करते हैं, इसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फाइंड का मतलब ये है कि कितना लंबा पाइप हम लेंगे, कि उससे कितना लंबा पाइप आप लोगे जिससे कि उसके अंदर जो भरा हुआ पानी उससे ये वेसल आपका कंप्लीट फिल हो जाए। तो यहाँ हमने राइट कर लिया कि हेयर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल टैंक। तो पाइप के लिए आपको डायमीटर गिवन है, इसको हमने रेडियस में चेंज करना है, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाता है तो 5/2 हो गया, बट ये आपको मिलीमीटर में गिवन है, इसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारी किसमें है, सेंटीमीटर के अंदर है, तो यहाँ भी हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, पहले 1 सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए किसके इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के। तो 1 मिलीमीटर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1/, ये 10 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें 1 मिलीमीटर 1/10 के इक्वल है तो 2.5 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2.5 × 1/10 हो जाएगा, दो नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि एक डेसिमल पहले से इसका एक और डेसिमल लगेगा, तो ये हो गया 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल आर ले लेते हैं। ठीक है, और स्पीड हमें यहाँ पे पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो है उसकी स्पीड हमें गिवन है 10 मीटर पर मिनट। ओके, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच हो गया। फिर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h हो गया। तो हमें यहाँ पे ये देखो r की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, तो ये कोन के लिए तो दोनों वैल्यू पता है, बट पाइप के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे क्या पता है, रेडियस पता है, तो हमें सिर्फ हाइट फाइंड करनी है, हाइट यानी कि डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी वही हो गई, एक बिल्डिंग है जो आपकी खड़ी है तो उसकी हाइट जितनी होगी उसको हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो ये h मुझे यहाँ चाहिए, h को मैंने लेफ्ट में रख लिया और πr² को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1/3 × π ×
आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई से आपका पाई यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो दिस एम्प्लाइज एच इक्वल टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर हमारा कितना है 20, तो 20 इंटू एच, एच यहाँ पे 24, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ पे आपका कितना है 0.25 इंटू 0.25 हो गया, टू टाइम आएगा ना आर स्क्वायर, इसलिए अब 3 के टेबल में 24 कैंसिल हो गया 8 टाइम, ये डेसिमल और ये डेसिमल हटाया तो ऊपर हमारे 2 टाइम 100 आ जाएंगे, दो नंबर हैं इसलिए। तो 25 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम, 25 से 100 कैंसिल हुआ 4 टाइम। तो आप इसको मल्टीपल करो, 4 × 4 16 हो गया, और ये 2 × 2 4 आपका, तो 8 × 4 × 4 × 20 × 20 करना है। तो आपका देखो 20 × 20 हमने कर दिया 400 इंटू, ये आपका यहाँ पे हो गया 4 × 4 हमने 16 कर दिया इंटू 8 कर दिया। तो जब आप इन सबको मल्टीपल करोगे तो ये 8 × 4 आपका यहाँ पे 3200 हो गया, या फिर 16 × 4 आपका 6400 × 8 हो गया। तो वर्बली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 00 8 × 4 32 का 2 कैरी 3 8 × 6 48 48 + 3, तो ये आपका 51 हो गया, 5120 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट आ गई, यानी कि इतने सेंटीमीटर हाइट का पाइप होगा जिसके अंदर वाटर फिल, जितना भी वाटर फिल होगा उससे ये कॉनिकल वेसल आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे इस कॉनिकल वेसल को भरने के लिए, यानी कि इतनी लेंथ का पाइप है जिसमें पानी है, वो पानी इसमें जाएगा तो कितना टाइम लगेगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस इंटू स्पीड, डिस्टेंस यानी हाइट, यानी कि ये हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, ये जो हाइट है उसी को हम डिस्टेंस कह रहे हैं, तो इंटू स्पीड, स्पीड हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। अब आप यहाँ पे देखो, डिस्टेंस आपकी जो स्पीड है वो आपकी किस में है, 10 मीटर में है, तो आपका ये जो आंसर है वो सेंटीमीटर में, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेम यूनिट के ही नंबर मल्टीपल सॉल्व होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो h इक्वल टू आपका, यानी कि अब ये आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपका यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर बराबर आपका कितने, किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर के। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5120 / 100 ये मीटर हो गया, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, तो 512 मीटर हो गया, हाइट यानी कि डिस्टेंस हमारी 512 मीटर हो गया। तो नाउ वी नो दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के यूनिट आपके सेम है, डिस्टेंस आपकी है 512 मीटर और स्पीड आपकी यहाँ पे कितनी है 10 मीटर/मिनट है, तो आपका आंसर आपका मिनट में आएगा। तो ये 10 है, 10 के बाद यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 551.2 ये क्या हो गया, मिनट हो गया। मिनट क्या, स्पीड जिसमें होगी, आर में होगी तो आर में आंसर आएगा, मिनट में होगी तो मिनट में आंसर आएगा, तो 51.20 क्या हो गया, मिनट हो गया। ओके, तो ओनली 2 ने लिख के डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखते हैं, तो 51.20 मिनट हो गया। अब अगर आपको कहे कि नहीं ये लास्ट वाला आंसर आप मिनट और सेकंड में दो, तो ये तो आपका मिनट हो गया, ये आपका आंसर हो गया 51 मिनट, और 0.20 को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड के अंदर। हम आंसर इस तरह से थोड़ी लिखते हैं, हम ऐसे ही तो बोलते हैं कि 51 मिनट हुए, इतने सेकंड हुए, डेसिमल में आंसर नहीं लिखते। तो आपको अगर कहा है क्वेश्चन में कि सेकंड में आंसर चेंज करो तभी करना है, अदरवाइज आपका यहां तक आंसर राइट है। तो सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, तो ये डेसिमल हटाया, डिवाइड बाय आपका 100 आ गया, इंटू, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से मल्टीपल करेंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0.20 आपका किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे 12 सेकंड के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये 12 सेकंड हमारा आ गया, यानी कि आंसर हो गया 51 मिनट 12 सेकंड। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 था, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।